दोस्तों, अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि एग्रोकेम में सबसे बढ़िया कंपनी कौन सी है, ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी कि नहीं, ये इंडस्ट्री में पैसा बनेगा कि नहीं, और अगर बनेगा तो कौन सी कंपनी अच्छी है, क्या पीआई इंडस्ट्री अच्छी है कि यूपीएल अच्छी है, कौन है जो कम डेप से ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी कर रही है, तो ये सारी चीजों की जानकारी दोस्तों हम लोग आज लेंगे राजकोट के इन्वेस्टर अशोक सोनागरा जी से। दोस्तों, अशोक सोनागरा जी करीबन 3 दशक से वैसे तो शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं, पर पिछले दशक से थोड़े एग्रेसिव है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, राइट। अशोक भाई अपनी गवर्नमेंट जॉब के साथ स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, उन्होंने सिखा भी है शेयर बाजार को, तो आइए दोस्तों उनसे जाने कि कौन सी कंपनी अच्छी है निवेश करने के लायक। सो वेलकम अशोक भाई। या थैंक यू सर। सर ये मेरी स्लाइड दिख रही है ना आपको? हाँ, यस यस, ओके सर। तो दोस्तों मैं पीयूष सर का खूब धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो मैंने ये इंडस्ट्रीज के बारे में और इंडस्ट्रीज के डिटेल्स के बारे में सीखा है। तो यस दोस्तों, हमें सबको पता है हमारी इंडिया इज ए एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज हमारी सबसे, क्योंकि हमारी जो ग्रो, हमारी जो जीडीपी की इनकम है सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर से आती है। और हमारी, हमें इतिहास में भी अगर हम देखें तो हमें इंडिया को सोने की चिड़िया माना जाता था दोस्तों। सबसे ज्यादा हमारा जो इनकम, हमारी जो कम्युनिटी है, जो फार्मर्स है, वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड रहता है और एग्रीकल्चर ही हमारी सबसे बड़ी इनकम जनरेट करने वाली मानी जाती है दोस्तों। हाँ दोस्तों, आज जो इंडस्ट्रीज के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, ये एग्रोकेमिकल और फर्टिलाइजर से रिलेटेड की ग्रुप की कंपनी है, और खास करके ये पेस्टिसाइड्स और केमिकल बनाने वाली इंडस्ट्रीज के ग्रुप के बारे में मैं यहाँ बताने वाला हूँ दोस्तों। यस दोस्तों, मैं पीआई इंडस्ट्रीज के H1 के रिजल्ट के बारे में बताने वाला हूँ। इससे पहले ये इंडस्ट्रीज के बारे में बताऊंगा और इसके बाद ये पूरे सेक्टर के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे दोस्तों। यस दोस्तों, हमारी इंडिया पूरे ये जो क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल है उसके अंदर सबसे 5th largest प्रोड्यूसर इंडिया है और 4th largest एक्सपोर्टर इंडिया है जो क्रॉप प्रोटेक्शन के मामले केमिकल के बारे में, और 13th largest इंपोर्टर क्रॉप केमिकल के बारे में इंडिया है दोस्तों। अब हम देखते हैं दोस्तों, ये क्रॉप प्रोटेक्शन के अंदर 3 से 4 अलग अलग प्रोडक्ट्स होती है, जैसे हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड और दस्त, ये 4 अलग अलग क्रॉप प्रोटेक्शन होते हैं। उसमें से ज्यादा जो प्रोडक्शन का मार्केट जो है एशिया 32% से है, लैटिन अमेरिका 25%, यूरोप 21% और नॉर्थ अमेरिका 18% का मार्केट क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर से मिलता है दोस्तों। अब हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर जो लिस्टेड कंपनियां है, ये पूरी की पूरी कंपनियां 90,000 करोड़ का मार्केट कैप जनरेट कर, मार्केट कैप है उन सबका, जिसमें से सबसे ज्यादा 57,000 करोड़ का मार्केट कैप यूपीएल का है, यानी कि 31% का हिस्सा उसका है। दूसरे नंबर पे आती है पीआई इंडस्ट्रीज, 49,000 करोड़ का मार्केट कैप पीआई का है। तीसरे नंबर पे आती है सुमी केम और चौथे नंबर पे बायर। यस दोस्तों, सुमी केम और बायर ये दोनों कंपनियां विदेशी है, लेकिन बायर हम बहुत पुरानी कंपनी है और सबसे हर एक फार्मर बायर का प्रोडक्शन सेल्स बाय करते हैं, उसका उसको नाम पता रहता होता है, लेकिन फिर भी वो तीसरे और चौथे नंबर पर है। देखिए दोस्तों, अब हम सेल्स के मामले में देखिए, 75,000 करोड़ का सेल्स पूरी इंडस्ट्रीज करके करती है, जिसमें से अकेली यूपीएल 46,000 करोड़ का सेल्स करती है, जबकि दूसरे नंबर पर 5,000 करोड़ का। देखिए 5 times सेल्स भी बढ़ा है यूपीएल का और पीआई का 5,000 करोड़ का, यहाँ फिर भी बायर यानी कि 4,000 करोड़ का। देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बिकती है बायर की, फिर भी वो उसका तीसरा नंबर क्यों है? क्योंकि ये विदेशी कंपनी है और विदेशी कंपनी का बायर होने के बावजूद हमारी इंडियन कंपनी, जो कि इंडिया के अलावा एक्सपोर्ट का भी उसको जो बेनिफिट मिलता है, इसकी वजह से ये दोनों कंपनी है यूपीएल और पीआई, दोनों का सेल्स बायर का सेल्स ज्यादा इंडिया में होने के बावजूद भी सेल्स सबसे ज्यादा दिख रहा है कंपेरिजन में। तो ये हमारी, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि सिर्फ सेल्स बायर का ज्यादा होने के बावजूद भी हमारी इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करने का बेनिफिट ये होता है कि इंडिया के अलावा का जो भी उसको जो ग्रो मिलता है, प्रोडक्शन सेल्स ग्रो मिलता है, इसका बेनिफिट हमें मिलता है। अगर हम सिर्फ फॉरेन के इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखते हुए अगर उसमें इन्वेस्टमेंट करता तो इतना ग्रो हमें नहीं मिल सकता है दोस्तों। तो ये होती है हमारी इंडियन कंपनी की जो ग्रोइंग कंपनी होती है, इसमें इन्वेस्ट करने का बेनिफिट। अब प्रॉफिट के मामले में भी देखिए दोस्तों, प्रॉफिट के मामले में भी ये पूरी इंडस्ट्रीज 8,000 करोड़ का जो प्रॉफिट करती है, जिसमें से 54% प्रॉफिट अकेली 4,000 करोड़ का यूपीएल से आता है, जबकि पीआई का 800 करोड़ का ही है, बायर का 600 करोड़ का है। देखिए दोस्तों, ये पॉइंट आप ध्यान में रखते, मार्केट कैप में कौन पहले थी? यूपीएल, दूसरे नंबर पर पीआई, सेल्स में भी बढ़िया यूपीएल और पीआई, और प्रॉफिट में भी सबसे ज्यादा 5 times प्रॉफिट होने के बावजूद भी आने वाले टाइम में हम कुछ अलग पैरामीटर से देखेंगे
यूपीएल क्यों ग्रो कंपेरेटिवली पीआई से नहीं करी है, ये हम आगे चर्चा करेंगे। इसलिए मैं आपको पहले से कह रहा हूँ, ये तीन पॉइंट को याद कर लिए, मैं पीछे से आपको पूछने वाला हूँ। दोस्तों अब हम आते हैं क्वालिटी के बारे में। हमने ग्रोथ तो देख लिया सेल्स प्रॉफिट का, इसके बाद किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका क्वालिटी देखना जरूरी है, जिसमें से पहला पैरामीटर है लिक्विडिटी रेशियो। यस दोस्तों, कितना मार्जिन कमा के देती है कोई भी कंपनी, तो प्रॉफिट मार्जिन, करंट रेशियो और ट्रेड साइकिल, ये हम तीन पैरामीटर यहाँ देखने वाले हैं दोस्तों। यस दोस्तों, पीआई का हमने 16% का प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है, जबकि यूपीएल 10%। यहाँ पर बायर का भी सेल्स अच्छा होने के बावजूद भी वो 40% के मार्जिन जनरेट करती है दोस्तों। अब करंट रेशियो के बारे में देखिए, 3.7 टाइम्स जो ये करंट रेशियो उसका आता है, यूपीएल का 1.4 और बायर का 2.2। यानी कि अब देखते हैं ट्रेड रिसीवर, ट्रेड रिसीवर्स में 16% का पीआई का है और यूपीएल का 33% का है, यानी कि बायर का 21%, मतलब यहाँ पर भी पीआई बढ़ती है। अब हम देते हैं सोलवेंसी रेशियो। हाँ दोस्तों, उसके ऊपर कितनी डेप्ट है, कितना उसने कर्ज लिया है, ये रेशियो हमें यहाँ दिखाता है सोलवेंसी रेशियो। यस, तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, डेप्ट रेशियो और आईसीआर, ये बारे में हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सेल्स कितना करती थी, जबरदस्त, प्रॉफिट भी जबरदस्त, मार्केट कैप में भी जबरदस्त, लेकिन ये प्रॉब्लम है इस कंपनी में। देखिए 190% का डेप्ट उसके ऊपर है, ये सबसे बड़ी उसकी कमजोरी है। और इसके मुकाबले पीआई का देखिए सिर्फ 4%। तो ये दोनों को देखिए, मैंने पूछा था ना कि 5 times प्रॉफिट है, 5 times सेल्स है, फिर भी ये जो जितना कमाती है उससे ज्यादा वो अपने डेप्ट को पेइंग करने में चला जाता है। इसकी वजह से देखिए दोस्तों, यहाँ पर 4% का डेप्ट सिर्फ पीआई का है। डेप्ट रेशियो में देखिए 65% का डेप्ट यूपीएल का है, जबकि पीआई का 21% ही है, बायर का 42 और 36% सुमीकेम, जो कि जापानीज कंपनी है। अब आईसीआर यानी कि पता है सबको, देते तो कितना प्रॉफिट करती है, जिसका उसको डेप्ट रीपेइंग करने से कितना टाइम रीपे कर सकती है, तो यहाँ पर आईसीआर के मामले में 74 times। यस दोस्तों, अपने डेप्ट का 74 times प्रॉफिट पीआई करती है, जबकि यूपीएल सिर्फ 3 times। यस, तो यहाँ पर भी बाजी पीआई मार गई। अब देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, थर्ड पैरामीटर हमने लिया है प्रॉफिटेबिलिटी, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी और रिटर्न ऑन एसेट रेशियो। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी के मामले में पीआई का 40% है, यूपीएल का 20% है और 26%। देखिए यहाँ पर सबका मार्जिन रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी आ रही है, क्योंकि ये अच्छी ग्रोइंग कंपनी है, यहाँ पर ये एक्सपोर्ट भी करती है और सबका मार्जिन अच्छा आता है, मतलब इसकी जिसकी जितना भी वो इक्विटी का है वो मतलब अच्छा ग्रो करती है और अच्छा रिटर्न करती है। यहाँ पर सबका मार्जिन रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से अच्छा दिख रहा है दोस्तों। तो रिटर्न ऑन इक्विटी में हमले ये पूरी इंडस्ट्रीज के बाद अच्छा रिटर्न मिलता है दोस्तों। अब हम देखते हैं रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी। यस, उसने अपनी जब से स्टार्ट हुई है उसने 44 times अपने इन्वेस्टर का ग्रो करके दिया, मतलब पेड अप इक्विटी 44 times हुई है, जबकि यूपीएल 59 है और बायर की 14 है। अब हम देखेंगे दोस्तों, मैंने आपको पूछा था, किसी को याद है कि याद रखना का, मैं एक प्रश्न बताऊं पूछने वाला हूँ। यस दोस्तों, यूपीएल और पीआई कौन थी सबसे ज्यादा मार्केट कैप, सेल्स और प्रॉफिट में, बताएंगे कोई? यस दोस्तों, यूपीएल। लेकिन यूपीएल इतने प्रॉफिट सेल्स के बावजूद भी क्या उसमें प्रॉब्लम थी, देखिए यहाँ मैंने दिखाया, जो वही स्क्रीनशॉट आपके सामने वापिस हाजिर किया आपको याद कराने के लिए। देखिए दोस्तों, मार्केट कैप में यूपीएल, सेल्स में यूपीएल, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखिए मार्जिन, यहाँ पे मार्जिन किसका ज्यादा है, पीआई का, करंट रेशियो भी पीआई का, ट्रेड रिसीवर भी 1.6% और सबसे बड़ी कमजोरी उसकी 109% डेप्ट, 65% डेप्ट रेशियो और आईसीआर सिर्फ 3। तो ये जो मतलब जो ये कमाती है वो खा कौन जाता है, ये डेप्ट, तो ये उसका सबसे कमजोर हिस्सा है। अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में भी देखिए, तो उसमें भी पीआई 14% से रिटर्न ऑन इक्विटी है, पेड अप इक्विटी 54 times है और रिटर्न ऑन एसेट 11%, मतलब के अपने यूपीएल से 2 गुना। तो ये जो पैरामीटर्स है ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी इंडस्ट्रीज में और किसी भी कंपनी में सिर्फ ना तो उसका सेल्स प्रॉफिट और मार्केट कैप को देख के लेना है, लेकिन क्वालिटी का पैरामीटर भी देखना इतना इंपॉर्टेंट है। ये इसका एकदम बेस्ट एग्जांपल मैं आपके सामने किया है। और अभी देखिए, उसने मतलब ऐसा नहीं है कि सेल्स प्रॉफिट इतना अच्छा होने के बावजूद भी उसके उसने उसने इन्वेस्टर को कितना गुना कंपेरिजन किया है, देखिए ये दोनों का मैंने कंपेरिजन दिखे, ये सिर्फ ये
कंपनी पूरा नहीं है, फिर भी मैंने सिर्फ लास्ट 10 ईयर का ही आपके सामने रखा है पिक्चर। 10 ईयर में भी कितना डिफरेंस है देखिए दोस्तों, 10 ईयर में पीआई ने अपने इन्वेस्टर को 28 टाइम, यस दोस्तों, अगर 10 साल पहले मैंने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था क्या होता, तो अभी इसका वैल्यूएशन 28 लाख हो गया होता। जबकि वही इन्वेस्टमेंट सेम टाइम अगर मैंने यूपीएल में, अगर ये मानते हो कि चलो इसका तो सेल्स बड़ा है, प्रॉफिट भी बड़ा है, तो मेरे को इसमें इन्वेस्ट करना था, तो सिर्फ मेरा 9 गुना हो गया, मतलब 1 लाख का 9 लाख होता। एक यहाँ पर डिस्क्लेमर भी देते रहा दोस्तों कि मैंने भी यूपीएल में इन्वेस्ट किया था पिछले सालों में, लेकिन तब मैंने ये क्लास नहीं किया थे, तो मैं एक सिंपल ट्रेडर था, प्रॉफिट और लॉस मैं कभी भी मतलब सिंपल वो इन्वेस्टर की तरह हाई पे चढ़ जाता था, फिर वो ट्रेडर इन्वेस्ट आता था और अपना सतत कभी तो यहाँ से और जाता, तो कभी कभी लॉस भी बुक किया और प्रॉफिट भी बुक किया, लॉस प्रॉफिट बुक करते। मैं इसमें देखो अभी मेरे पास इस कंपनी के शेयर नहीं है, लेकिन अभी अभी जब मैं इसमें जब एजुकेशन लिया और पूरा इंडस्ट्रीज का जो एनालिसिस किया, इसके बाद मुझे पता चला कि किस इंडस्ट्रीज में कैसा करना है और उसमें कब लेना है और कब तक खड़ा रहना है, इसका क्या फायदा होता है। कि मैं अपना खुद का अनुभव इसलिए आपको शेयर कर रहा हूं कि अब मेरी आंखें खुली है कि लॉन्ग टर्म में क्या फायदा होता है और शॉर्ट टर्म में। और देखिए दोस्तों ये कंसिस्टेंसी ऊपर ग्रो कर रही है पीआई, जबकि उसमें ऊपर चढ़ाव यूपीएल में दिख रहा है, तो लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनी में रहने से क्या फायदा होता है ये यहाँ पे दिखता है दोस्तों। अब हम जाते हैं उसके बिहेवियर के मामले में, देखिए दोस्तों हिस्ट्री, हम यहाँ हिस्ट्री देखेंगे, हिस्टोरिकल सेल्स देखेंगे, प्रॉफिट देखेंगे, रिजल्ट देखेंगे, करंट ट्रेंड और मेजर कंट्रीब्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे, फ्यूचर ट्रेंड और शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में चर्चा करेंगे। यस दोस्तों, उसने 1946 में ये मेवाड़ा ऑयल जनरल मिल के नाम से उसका स्थापना हुआ था। इसके बाद 1961 में एग्रोकेमिकल फॉर्मुलेशन का उसने मार्केटिंग स्टार्ट किया। इसके बाद उसने 1976 में मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट स्टार्ट किया। वो 1992 में उसने अपनी कंपनी का नाम मेवाड़ा से बदलकर पीआई इंडस्ट्रीज कर दिया। 1996 में सिंथेटिक मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट स्टार्टेड किया और 2001 में फर्स्ट एग्रोकेमिकल की कंपनी में स्पेस ऑन इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट किया। और हाँ दोस्तों, ये पुरानी कंपनी होने के बाद वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, जबकि वो 1993 में पब्लिक लिमिटेड हुई, या सबसे पहला सिर्फ उसका लिस्टिंग बीएसई में 1993 में हुआ था और 2011 में एनएसई के अंदर उसका लिस्टिंग हुआ था। ये जो कंपनी है ये 3 टाइप की मेन प्रोडक्ट बनाती है, जिसमें इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड और हर्बिसाइड। इसके अलावा ये मैन्युफैक्चरिंग के अलावा ये आरएनडी भी करती है, रिसर्च भी करती है, कुछ अलग अलग सी प्रोडक्ट्स बनाती है। ये कंपनी ज्यादातर एग्री इनपुट्स जो आते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, केमिकल डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाइंग का भी ये एग्रोकेमिकल की कंपनी में काम करती है। ये विदेशों में भी एक्सपोर्ट भी करती है दोस्तों। ये कंपनी है, इसके अंदर 3000 से ज्यादा एम्प्लॉयज है, 400 से ज्यादा साइंटिस्ट, मैंने बताया था कि वो आरएनडी का भी काम करती है, रिसर्च लैब भी है उसकी उदयपुर में भी, अभी उसने स्टार्ट 2001 में एक अलग सी आरएनडी लैब भी उसने स्टार्ट की है। 15 से ज्यादा मल्टीपर्पज अलग अलग प्लांट्स है, उसने 130 से ज्यादा अलग अलग जो प्रोडक्ट है उसमें पेटेंट भी रजिस्टर करवाई है, 20 से ज्यादा अलग अलग कंट्रियों में उसका एक्सपोर्ट होता है और 3 मिलियन, यस दोस्तों 3 मिलियन डिजिटली अभी उसने अपनी ऐप बनाई है, जिसके अंदर वो ऐप से जो फार्मर से उसको कनेक्ट किया है, उसके प्रोडक्शन उसके बारे में कुछ माहिती ऐसी एक डिजिटल ऐप बनाई, जिससे मतलब 3 मिलियन फार्मर को उसने एक डिजिटली प्लेटफॉर्म के जरिए कनेक्शन किया है, जिससे अपनी प्रोडक्ट का सेल्स और प्रमोशन कर सकती है दोस्तों। और देखिए इसके अलावा ये अलग अलग 7 सब्सिडरीज कंपनी से वो जुड़ी हुई है, जिसका अलग अलग टाइम पे जो उसने एक्विजिशन किया है, यहाँ सब मैंने दिखा है, आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं हिस्ट्री। यस दोस्तों, अब ये देख लिया, अब हम पिछले 20 साल की हिस्ट्री के अगर देखते हैं सेल्स के बारे में, 2021 सिर्फ 185 करोड़ का जो सेल्स था, जो बढ़ते बढ़ते 2022 तक 5300 करोड़ का सेल्स हुआ, यानी कि 60% के सीएजीआर एनुअल उसका ग्रो हुआ सेल्स में और 20x टाइम सेल्स बढ़ा है। आने वाले टाइम में हम ये उम्मीद कर सकते हैं, हाँ दोस्तों हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले इस साल में 2023 में लाइफ टाइम हाई, यस दोस्तों लाइफ टाइम हाई सेल्स की हम उम्मीद करते हैं, यानी कि 7000 करोड़ का हम सेल्स आ सकता है, ऐसा उम्मीद किया है। प्रॉफिट के मामले में हम देखिए 0.90 करोड़ का जो प्रॉफिट करती थी 2001 में, जो कि अभी 844 करोड़ का प्रॉफिट करती है, और आने वाले टाइम यानी कि इस 2023 में हम 1300 करोड़ का प्रॉफिट हो ऐसा अनुमान कर सकते हैं, यानी कि प्रॉफिट के मामले में भी उसने 47% के सीएजीआर से ग्रोथ किया है दोस्तों। अब हम देखते हैं रिजर्व के बारे में, 42 करोड़ का उसका पास रिजर्व था 2001 में, जो कि अभी ये 6000
करोड़ के पास पहुंचे, मतलब रिजर्व भी उसने 6% के सीएजीआर 145 times इसका ग्रो हुआ है। अब हम देखते हैं दोस्तों, अगर मैंने बोला ना पहले कि मैं भी एक इन्वेस्टर नहीं था, ट्रेडर था, अगर मैंने उस टाइम अगर 20 साल पहले मैंने यह दिखा, मतलब 2010 से अगर मैंने इन्वेस्ट किए हुए शेयर रखे होते तो वो शेयर का डिविडेंड ही इतना आता जितना मैंने इन्वेस्ट किया था। देखिए डिविडेंड हिस्ट्री है, यहाँ जो डिविडेंड दिखाया गया है एक्चुअल में मैंने स्प्लिट और बोनस को कंपेरिजन करने के बाद ऐसा 100 रुपीज नहीं आ रहा है, लेकिन जिसने 2010 में लिया है उसको 100 रुपीज आ रहा है, ये मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, मतलब 2010 वाले को कंपेरिजन ब्रेकअप करके, मतलब ऐसा नहीं बोलना कि 100 रुपीज तो आ नहीं रहा है आपने क्यों दिखाया, तो ये जो जिसने 10 में इन्वेस्ट किया है स्प्लिट और बोनस को कंपेरिजन करने के बावजूद, तो मतलब उसको 1100 रुपीज का टोटल डिविडेंड मिला होगा, जो इसने इन्वेस्ट किया था वो उसको रिटर्न मिल गया डिविडेंड के रूप में, बाकी का जो इन्वेस्टमेंट था जो सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ जो अभी प्राइस ग्रोथ मिल रहा है वो एक इसका अलग सा मुनाफा है। ये होते हैं वेल्थ क्रिएशन। यस दोस्तों, अब हम देखते हैं, ये सब तो देख लिए पुरानी हिस्ट्री, अब देखोगे कि अशोक भाई आपने तो ये पुराने तो देख लिया कि अभी करंट क्या, तो अब चलो दोस्तों करंट के देखिए, ये इंडस्ट्रीज कोविड में भी अफेक्टेड नहीं थी दोस्तों, सब इंडस्ट्रीज अफेक्टेड नहीं थी लेकिन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज अफेक्टेड नहीं थी, क्यों? ये देखिए दोस्तों 9 मंथ में 16% का ग्रोथ, एनुअल में 16% का, 29% ग्रोथ क्वार्टर वन में, और 30% मतलब कि ग्रोथ में कोई कमी नहीं है, ग्रोथ जबरदस्त सेल्स ग्रोथ आ रहा है दोस्तों। प्रॉफिट के मामले में भी 14% का 9 मंथ में, एनुअल में 40% और क्वार्टर वन में 40%, और अभी यस H1 में 43% का प्रॉफिट उसने किया है दोस्तों, जबरदस्त ग्रोथ। मार्जिन के मामले में भी देखिए 16% 9 मंथ में, 16% एनुअल में, क्वार्टर वन में 17% और इस H1 में 80%, मतलब देखिए दोस्तों कंसिस्टेंस क्वार्टर टू क्वार्टर 1% का वो मार्जिन भी ग्रो कर रही है। एक्सपेंस के मामले में देखते हूँ दोस्तों 17% का 9 मंथ में था, एनुअल में 16% का, 26% का क्वार्टर वन में, अभी भी 26% का ही सेल्स एक्सपेंस ग्रोथ था, यहाँ पर सेल्स ग्रोथ 30% का है और एक्सपेंस ग्रोथ 26% का है, उसके बावजूद भी उसका मार्जिन बढ़ा है, प्रॉफिट बढ़ा है, इसकी वजह क्या है? देखिए दोस्तों उसने अपने कॉन्फ्रेंस कॉल्स जो होते हैं उसमें उसने डिस्क्राइब किया है कि उसका मार्जिन क्यों बढ़ा है। तो दोस्तों जो भी इन्वेस्टर होते हैं उसको सिर्फ एनुअल सीट के अलावा ये कॉन्फ्रेंस कॉल भी अटेंड करना चाहिए, यहाँ तो जो डिस्क्रिप्टिव स्क्रिप्ट आती है वो भी पढ़नी चाहिए। तो यहाँ उसका डोमेस्टिक रेवेन्यू ग्रोथ 36% का था और एक्सपोर्ट रेवेन्यू ग्रोथ 29% का उसमें बढ़ा, और जो एक्सपेंसिस में जो उसको इजाफा आया जो मटेरियल कॉस्ट जो इन्फ्लेशन की वजह से, तो उसका एडजस्टमेंट उसने 5% अपनी प्रोडक्ट में प्राइस को इंक्रीज किया, ये जो इंक्रीज प्राइस हुआ इसका बेनिफिट उसको प्रॉफिट में आया और उसकी मार्जिन में आया। तो जो अच्छी कंपनियां वो प्राइस हाइक करती है तो उसका इंपैक्ट उसको नहीं आता। लास्ट टाइम आपको बताया था मैंने कि जैसे कि रिलैक्सो का जो मेरा जो देखते हैं उसको बताया था कि इन्फ्लेशन की वजह से कंपनी ने अपने प्राइस को हाइक किया तो इसकी इफेक्ट उसके सेल्स में आई थी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ है दोस्तों, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज ग्रोइंग इंडस्ट्री थी और प्रॉफिटेबल थी इंडस्ट्री वो भी थी, लेकिन उसका कंज्यूमर बेस लोअर टू इंडिया था जो कि यहाँ एक फार्मर है, तो अलग अलग कंज्यूमर के बेस से भी इसका ये इंपैक्ट दिखाई दिया। अब हम एक्सपेंस रेशियो के अंदर देखिए तो 266% का फाइनेंस कॉस्ट बढ़ा है, या उसने कॉन्फ्रेंस कॉल में भी बताया दोस्तों कि उसका 650 का जो कैपेक्स था उसको बढ़ाकर 7 करोड़ का किया है, वो उसका जो अलग से ग्रो मतलब उसका प्रोडक्शन के बारे में इंक्रीज करना चाहते हैं अपनी कुछ रिसर्च के मामले में, इसके लिए उसने अलग से कैपेक्स बढ़ाया, फाइनेंस बढ़ाया है, लेकिन पूरे जो एक्सपेंस में सिर्फ उसका हिस्सा 1% का है, मतलब कि कंपेरेटिवली हम निग्लिजिबल कर सकते हैं कंपेरेटिवली एक्सपेंस के ग्रोथ के बाद। सबसे ज्यादा उसका अदर एक्सपेंसिस 24% का आया है और जो उसकी चेंज ऑफ इन्वेंट्री है -54% से डिक्रीज हुई है। तो ये हमारा एक्सपेंस का हुआ, सबसे ज्यादा उसका मटेरियल कॉस्ट आई थी। अब यहाँ दोस्तों मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल के कुछ पहलू आपको हाईलाइट करके रखा है, जिसमें कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है उसमें मैंने हाईलाइट किया, जैसे कि प्राइस ग्रोथ का 5% है, 36% का रेवेन्यू ग्रोथ, एक्सपोर्ट का 29% का, और उसका जो वर्किंग कैपिटल जो 8 डेज बढ़ा है, जो पहले 103 था वो 111 हुआ है। तो ये कुछ हाईलाइट, हमें कॉन्फ्रेंस कॉल से बहुत कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है दोस्तों, आने वाले कंपनी की कैसा कर सकती है, तो ये चीज हमें उसमें मिल सकती है। अब ये पूरी हिस्ट्री करंट ट्रेड ये सबको देखते हुए मैंने फ्यूचर का एक्सपेक्टेशन यहाँ आपके सामने रखा है दोस्तों। अभी जो मैंने करंट ईयर में मैंने 30% का सेल्स ग्रो को कंसीडर किया है, ये सेल्स ग्रोथ को कंसीडर करते मैं 2023 में 6,800 करोड़ का सेल्स ग्रोथ हो सकता है ऐसा अनुमान कर सकता हूँ, और लॉन्ग टर्म में मैंने 18% का सेल्स ग्रोथ को कंसीडर करते हुए 22,400 का
22,400 करोड़ का सेल्स ग्रो हो सकता है और 2035 में 44,000 करोड़ का सेल्स ग्रो ऐसा मैंने अनुमान रखा है। प्रॉफिट के मामले में अगर देखूं दोस्तों तो मैंने 50% का प्रॉफिट ग्रोथ रखा है, जिसके हिसाब से मैंने 1,200 करोड़ का प्रॉफिट और 18% का लॉन्ग टर्म का प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से 3,300 करोड़ का 2030 में और 2035 में 6,700 करोड़ का प्रॉफिट आ सकता है ऐसा मैंने अनुमान रखा है। अब ईपीएस के मामले में देखूं दोस्तों तो ईपीएस भी उसका 23 रुपीज का आने वाले फाइनेंशियल ईयर में मैंने अनुमान किया है 2030 में 61 रुपीज का और 2035 में 139 का ईपीएस का मैंने अनुमान रखा है। अब मैं देखता हूँ फेयर वैल्यू। यस दोस्तों, फेयर वैल्यू उसकी 670 रुपीज आ रही है ये हिसाब से। अभी इसकी जो रियल प्राइस है वो 3,000 के आसपास है, तो इससे बहुत कम क्यों है? क्योंकि जो अच्छी कंपनी है, ग्रोइंग कंपनी होती है, वो फेयर वैल्यू से बहुत महंगी होती है। तो इसकी वजह से इसका हमने देखा कंसिस्टेंसी ग्रोथ भी ऐसा था, प्रॉफिट भी ऐसा था, तो इसकी वजह से इसकी करंट जो 5 times 6 times प्राइस चल रही है, लेकिन इसकी जो रियल फेयर वैल्यू इतनी आती है। और 2030 में मैं 1700 की फेयर वैल्यू मानता हूं और आने वाले 2035 के अंदर मैं 4000 की फेयर वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया है। तो देखिए, अच्छी कंपनियां होती है अपने फेयर वैल्यू पे बहुत कम आती है, जब भी कोई ऐसा कोई इंप्लीमेंट कोई ऐसा इंसिडेंस होता है, बाकी अपने फेयर वैल्यू पे नहीं आती है। दोस्तों, शेयर होल्डिंग के पैटर्न के बारे में तो मैंने यहाँ 10 साल का इतिहास लिया है कि 10 साल पहले 63% प्रमोटर का जो स्टेक था वो घटाकर उसने 46% किया। जो ये घटाया हुआ स्टेक है उसमें किसने हिस्सा बढ़ाया? हाँ दोस्तों, DII ने जो 1.2% का था जो बढ़ा के 26% किया है, FII ने 8.5% का बढ़ा के 70% तक किया है, लेकिन पब्लिक ने जो अपना 77% का हिस्सा था वो घटा के 11%। हाँ दोस्तों, हम जैसे जो ट्रेडर और छोटी सोच, मतलब जो हम नहीं सोचते जो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्ट क्या होता है, यानी हमने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा पब्लिक ने, क्योंकि वो 5000 से बल्कि 3000 तक आई है, तो लोग सोचते हैं कि अभी प्रॉफिट बुक कर लो, अभी बढ़ने वाली नहीं, अभी कितना बढ़ेगी। तो दोस्तों, इसकी वजह से यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है पब्लिक ने घटाया, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, जो बड़ा सोचते बड़े इन्वेस्टर है, उसने अपना स्टेक बढ़ाया है। दोस्तों, अब हम देखते हैं टेक्निकल टर्म्स के बारे में। टेक्निकल के हिसाब से देखिए दोस्तों, ये कंसिस्टेंसी चल रही है। अभी यहाँ पर जैसे मैंने देखा है कि अभी इसका 3,300 के आसपास करंट प्राइस चल रहा है, जबकि फेयर वैल्यू बहुत कम थी। फिर भी अगर किसी भी हिसाब से करेक्शन में अगर ये 2,900 या 2,600 के आसपास अगर आती है तो हमें डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर 3,900 के आसपास आती है तो हम यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो का 5% जिसने नीचे से लिया है। और इसका दूसरा टारगेट में 5,400 देखा है। देखिए दोस्तों, मैं इस अभी जो करंट ट्रेंड चल रहा है, पिछले साल का हिस्ट्री चल रहा है और इस सेक्टर का जो ग्रोथ चल रहा है, इसके हिसाब से मैंने यहाँ दो टारगेट दिए कि हम पहले टारगेट पे अगर बुक ना करें तो हम दूसरे टारगेट का अनुमान हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ दो टारगेट दिए। अगर यहाँ आती तो हम सिर्फ 5% अपने फोलियो का बुक कर सकते हैं, और मैं यहाँ पर एलोकेशन पूरे इंडस्ट्रीज में इस कंपनी में 2% का एलोकेशन रख सकता है, ऐसा मानना है मेरा दोस्तों। और मेरा डिस्क्लेमर है दोस्तों, ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन या प्रेजेंटेशन दिया है ओनली ऑन फॉर एजुकेशनल पर्पस, नहीं कि कोई रिकमेंडेशन कि कोई टिप्स और कोई ऐसे नहीं। मैं अपना खुद का अनुभव जो शेयर कर किया है मैंने आप लोगों के सामने, इट्स अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो फाइनेंशियल एडवाइजर के जरिए बिल्कुल इन्वेस्ट करिए। थैंक यू, मैं पीयूष सर को हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू सर। ग्रेट, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को एग्रो केम इंडस्ट्री के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। जो भी डेटा अशोक भाई ने हमारे साथ डिस्कस किया उसमें खास बात यह है दोस्तों कि एग्रो इंडस्ट्री भी एक बहुत अच्छी ग्रोइंग इंडस्ट्री है, पुरानी इंडस्ट्री है, पर चाइना प्लस वन केमिकल का लोग प्रोडक्शन नहीं करना चाहते, ऐसे कई कारणों की वजह से डिमांड इंडिया की ओर आती है और इंडियन कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। पर यह सेक्टर की कुछ चीज अलग है दूसरे सेक्टर से, जैसे यहाँ का जो लीडर है वो टॉप क्वालिटी नहीं है, वो भी आप लोगों को समझ आ गया। जैसे फार्मा में भी जो अच्छी कंपनी है वो हो सकता है सबसे बड़ी ना हो, सेम थिंग इन एग्रोकेम, जो सबसे बड़ी है वो टॉप क्वालिटी नहीं है, जिसके कारण जब आप कंपनी में निवेश करते हो तो आपको थोड़ा कम वेटेज डालना पड़ता है। अगर आपकी सेक्टर की जो लीडिंग कंपनी सबसे अच्छी हो तो आप ज्यादा वेटेज डाल सकते हो, पर वो यहाँ पे दोस्तों नहीं है। ओवरऑल इट वॉज अ गुड प्रेजेंटेशन। करंट ट्रेंड अभी भी बहुत तगड़ी है, डिमांड में बिल्कुल कमी नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी बिल्कुल इन्फ्लेशन से अफेक्टेड नहीं है, इसीलिए ये फेयर वैल्यू से बहुत महंगा मिल रहा है। फेयर वैल्यू पे शेयर कब मिलते हैं दोस्तों? जब कुछ चैलेंज हो डिमांड में या प्रॉफिट में, जो अभी नहीं है, तो ये महंगा है, महंगा रहेगा कुछ समय तक, राइट? आपके पास है डेफिनेटली जो लेवल बताया अशोक भाई ने, वो लेवल के हिसाब से आप काम कर सकते हो, राइट? तो आई होप आपको यूपीएल और
पीआई का कंपैरिजन पता चला। आई होप आपको पता चला आपके पीआई पे डेप्ट है कि नहीं है, इट्स अ डेप्ट फ्री कंपनी या डेप्ट बर्डन है, ये सारी चीजों की जानकारी मिले। तो थैंक यू वेरी मच टू अशोक सुनागरा एंड टू एवरीबॉडी। जय हिंद दोस्तों।